हंगरंग वैली। तो देखिए अभी ये जो एरिया है ये है मेन रोड जो हंगरंग वैली में है, और अगर आप स्पीति गए हो तो आप इसी रोड से ही स्पीति जाओगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस टाइम हम पू की तरफ जा रहे हैं, तो आज हम आपको ले चलते हैं रोपा वैली जो कि हंगरंग वैली के बिल्कुल पास में ही है। तो देखिए यहाँ पर जो पहाड़ है वो पूरा इस तरह से जो है पथरीला पहाड़ होता है, तो इसके कारण यहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत ही कम होता है, क्योंकि एरिया भी ठंडा है और जो पहाड़ है वो भी थोड़ा पथरीला है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा जो है पथरीला पहाड़ है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा आपको डेजर्ट वाला एरिया नज़र आएगा। और अभी भी पहाड़ों के टॉप पर जो है पूरा स्नो दिख रहा है, और ये वाला एरिया जो है पूरा स्पीति रिवर के साथ साथ ही जाता है, और खाप जैसे ही हम पहुंचेंगे तो वहाँ पर सतलुज और स्पीति रिवर जो है आपस में मिलती है, और वहाँ से जो है पूरे किन्नौर में आपको स्पीति सतलुज रिवर के साथ साथ ही रोड मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए जो पथरीले पहाड़ है, तो यहाँ पर जो कटिंग है यहाँ पर पहाड़ों की वो हाफ टनलिंग करके किया जाता है, और ये जो रोड है पूरा रोड जो है BRO के द्वारा मेंटेन और बनाया जाता है। तो ये पूरा रोड जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और देखिए यहाँ पर भी आपको जो है पूरा हाफ टनलिंग वाला रोड नज़र आ जाएगा। इस तरह से आपको पूरे किन्नौर में जो है मैक्सिमम रोड्स जहाँ पर पूरे इस तरह से पथरीले पहाड़ है वहाँ पर आपको इस तरह से जो है हाफ टनलिंग रोड ही नज़र आएंगे। तो इस टाइम हम पहुँच चुके हैं खाप, तो यहाँ से हम सीधा इसी रोड पे आगे चलते रहेंगे, क्योंकि शासोखड़ तक हमें सेम मेन रोड पे ही चलना है, उसके बाद हम जो है रोपा वैली के लिए लिंक रोड की। तो देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं रोपा वैली में, और इस टाइम हम खड़े हैं सुन्नम गांव में, और यहाँ पर रोपा वैली में जो है शासो गांव को छोड़ दे तो सारे गांव जो है बिल्कुल पास पास में है। शासो गांव जो है स्टार्टिंग में ही आ जाता है, उसके लिए एक अलग से लिंक रोड जाता है, तो बाकी सारे गांव आपको एक ही रोड पे मिल जाएंगे। ये नीचे देखिए ये रुशकलंग है, और सबसे पहले जो है सुन्नम गांव आता है, फिर उसके बाद रुशकलंग हो गया, और अभी देखिए जो ये जो आगे नज़र आ रहा है ये है ग्याबोंग। तो रोपा वैली जो है एप्पल वैली के नाम से भी फेमस है, तो ग्याबोंग आई थिंक सबसे बड़ा गांव है इस वैली का, क्योंकि जो भी मार्केट है सारे चीज़ें जो है यहाँ ग्याबोंग में ही मिल जाता है। तो रोपा सबसे लास्ट गांव है जहाँ तक जो है रोड कनेक्टिविटी है, और रोपा तक पहुँचकर जो है ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर इस एरिया में टूरिज़्म अभी तो उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है टूरिज़्म के लिए भी बहुत ही सही जगह है, और टिम्सो लेक जो है उसके लिए भी यहाँ से ट्रैकिंग होता है, तो मे भी शायद ग्याबोंग या रुशकलंग यहाँ इस एरिया से कहीं से ट्रैकिंग होता है। तो बाकी आप यहाँ आकर जो है इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, बाकी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं रोपा गांव की तरफ। तो देखिए अभी तो हम पहुँचे हैं ग्याबोंग, तो यहाँ पर SBI बैंक दिखना स्टार्ट हो गया है, और ग्याबोंग और रोपा भी जो है ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी 2-3 किलोमीटर के आसपास होगा। और यहाँ पर देखिए नाले में जो है पूरा नालागढ़ की तरह व्यू नज़र आएगा आपको, पूरा जो है रेता निकालते हुए 8-10 ट्रैक्टर नज़र आ जाएंगे यहाँ पर। और इसी के साथ ही आगे जो है पूरा रोपा गांव, तो देखिए बिल्कुल रोपा हम पहुँचने वाले हैं अब, और ये देखिए ये है रोपा गांव, और यहाँ पर जो है बस स्टैंड जो है बहुत ही छोटा है, तो अगर ज़्यादा भीड़ आ जाए तो मे भी थोड़ा पार्किंग इशू आ सकता है, अदरवाइज़ ठीक है, रोड कंडीशन थोड़ा ठीक है क्योंकि मेटल है रोड। तो देखिए ये गांव यहाँ पर है रोपा गांव, तो फ़िलहाल हम चलते हैं यहाँ पर घूमने। चलिए अभी हम चलते हैं गांव के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा अब तो कंक्रीट बिल्डिंग दिखना भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पुराना हेरिटेज है आपको यहाँ पर जो ये पूरा वुड से बनाया हुआ, देखिए ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता था पहले, तो इस तरह से पूरा आपको देखिए यहाँ पर स्टोन और जो है लकड़ी इस तरह से पूरा बिल्डिंग तैयार किया गया है। यहाँ पर देखिए ये देवता का एरिया है ये कोई, लेकिन डिज़ाइन देखिए पूरा जो आर्किटेक्ट है पहाड़ी आर्किटेक्ट आपको यहाँ पर इस वैली में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो पुराना
घर है यहाँ पर, पूरा गली देखे इस तरह से, पूरा वुडन, बहुत ही पुराना घर है लेकिन अभी भी देखे पूरा मजबूती के साथ ही खड़ा है यहाँ पर। तो इस वैली में आपको जो है पूरा पुराना आर्किटेक्ट जो है पूरा देखने को मिलेगा। तो जो कातकुनी स्टाइल में जो घर बनाते हैं पुराने, जिससे कहते हैं कि भूकंप आ भी जाए तब भी वो सेफ घर माना जाता है, तो पूरा जो स्टाइल है आपको इस वैली में देखने को मिल जाएगा सुन्नम से रोपा तक। तो मे भी कुछ टाइम तक ही आपको ये जो है पुराना आर्किटेक्ट देखने को मिले, क्योंकि जो नए बिल्डिंग्स है देखे पूरा सीमेंटेड है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस प्लेसेस को विज़िट कर ले तो आपको शायद ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और जितना आप डिले करोगे तो हो सकता है ये चीज़ें जो है बाद में आपको देखने को ना मिले, क्योंकि देखिए पूरा जो है गांव शहर की तरह पूरा कंक्रीट बिल्डिंग्स में कन्वर्ट होते हुए जा रहा है, क्योंकि जो पुराना हेरिटेज है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ एक जगह में आपको फिर भी जो नए घर है इस तरह से कातकुनी स्टाइल में बनाए हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ रोपा वैली में ही इतना पुराना हेरिटेज जो है देखने को मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके इन एरिया को विज़िट कर ले। बाकी देखिए इतना सा ही है रोपा गांव, तो अभी हम फ़िलहाल इतना सा घूमकर जो है वापस चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस सुन्नम की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है रोपा से सुन्नम तक हम अगर व्यू की बात करें तो सेम माउंटेन आपको रोपा से सुन्नम तक सामने ये जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ नज़र आ रही है आपको, यही पहाड़ पूरा सुन्नम तक आपको पूरे रोपा से सुन्नम तक सेम व्यू नज़र आएगा। तो फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं ग्याबोंग गाँव, तो आपको मैं थोड़ा और क्लोज से दिखा देता हूँ ग्याबोंग। तो देखिए ग्याबोंग रहा ये, और यहाँ पर जो है पूरा जैसे कि आपने हंगरंग वैली में देखा तो पहाड़ों पर जो है पेड़ बिल्कुल नहीं होते, लेकिन रोपा वैली और यहाँ से नीचे पूरे किन्नौर में आपको जो है पूरा डेजर्ट वाला पहाड़ नज़र नहीं आएगा, ग्रीनरी नज़र आ जाएगा पहाड़ों पर। तो देखिए इस टाइम हम पहुँचे हैं सुन्नम, और आपको दिखाते हैं सुन्नम गाँव का थोड़ा सा नज़ारा। तो देखिए यहाँ पर ये है बादाम, तो अभी तो बादाम लगे हैं इस पर लेकिन तैयार होने में अभी बहुत टाइम है इसके लिए। तो फ़िलहाल अब चलते हैं आगे गांव की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बहुत ही पुराना घर है लेकिन बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है देखिए पुराने आर्किटेक्ट को। सुन्नम गांव में भी जैसे कि रोपा गांव को मैं आपको दिखा था, तो सुन्नम गांव में भी आपको बहुत सारे पुराने घर जो है कातकुनी स्टाइल में बनाए हुए घर देखने को मिल जाएंगे। हंगो गांव जो है सुन्नम गांव के बिल्कुल बैक साइड में है। ये देखिए ये जो जिगजैग एरिया नज़र आ रहा है आपको सामने, ये हंगो के लिए सुन्नम से रोड बन रहा है, तो हो सकता है कुछ सालों में ये रोड कंप्लीट हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो शायद इस पे काम रुका हुआ है, क्योंकि जहां तक सुन्नम वालों का बगीचा है वहां तक तो ये रोड बन चुका है लेकिन वहां से आगे अभी भी पेंडिंग है। तो फ़िलहाल हम इसी गाँव में घूमते हैं। तो देखिए ये रहा एक बहुत ही प्यारा सा गेट बनाया हुआ है, यहाँ पर मॉनेस्ट्री भी है और इसे हम माने कहते हैं जिसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर जो है डिज़ाइन पूरा आर्किटेक्ट जो है पहाड़ी शैली में बनाया हुआ है, ये है संथंग जिसे कहते हैं। हर गाँव में किन्नौर में ऐसा होता है कि एक प्लेस होता है जहाँ पर कुछ भी फेस्टिवल हो तो लोग जो है इकट्ठा होते हैं, तो सुन्नम गांव का ये जो है बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल नया बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अभी भी आपको इस तरह से जो पुराने पूरा वुडन आर्किटेक्ट है वो नज़र आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसी संथंग का जो है एंट्रेंस यहाँ से है, थोड़ी देर पहले हमने बैक साइड से देखा था, और जो नेगी रिनपोचे जी है जिसने खुनु रिनपोचे कहते हैं वो भी सुन्नम गांव में ही है उनका बर्थ प्लेस जो है। तो अभी तो हमने जो है पूरा थोड़े से टाइम में पूरा रोपा वैली जो है कवर कर दिया है जल्दी जल्दी में, तो अगर टाइम मिला तो हम फिर से कभी आके पूरा फुर्सत से जो है पूरा इस वैली को कवर करेंगे। तो आप लोग भी बिना देरी किए इस वैली में घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो भीड़ भाड़ एरिया से बचने के लिए आप जो है इस वैली का पूरा एंजॉय ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहे तो अगर आप लॉन्ग ट्रैक करना चाहे तो यहाँ से जो है स्पीति के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं, वाया रोपा से आप स्पीति के लिए जो है ट्रैक जाता है। तो आइए और एंजॉय कीजिए। तो
अभी के लिए बस इतना ही, हमने जो है जल्दी जल्दी में पूरा रोपा वैली कवर किया है, तो नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से दिखाएंगे। तब तक के लिए देखिए, ये पार्ट जो है ये पुराना वीडियो है जो कि विंटर सीज़न में मैंने कैप्चर किया था, तो उसी को मैं आपको यहाँ इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। वो जिगजैग एरिया देखिए, उसी पहाड़ के बैक साइड में आपको हांगो विलेज मिल जाएगा, और हांगो के लिए यहाँ से जो है आप चाहे तो ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। हांगो आप एक दिन में इजीली कवर कर सकते हैं।